जम्मू के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच विश्व प्रसिद्ध माँ वैष्णो देवी के भवन में जय माता दी के जयकारों के बीच 25वें नवरात्र महोत्सव का आगाज हो गया है। इस बार माँ का दरबार मनमोहक फूलों से सजा तो है, लेकिन कोरोना के चलते भक्तों की तादाद काफी कम है। विश्व की इकलौती 24 घंटे और सातों दिन चलने वाले इस यात्रा में सब कुछ बदल गया है। अब न श्रद्धालुओं के माथे पर तिलक है और न गले में मां की चुनरी। श्रद्धालुओं को भवन में प्रसाद भी ले जाना मना है। मां के दरबार में प्रसाद के तौर पर जो चांदी के सिक्के और नारियल मिलते थे, इस बार वो भी नहीं मिल रहे हैं। मां के दरबार में श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही दर्शन कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रि पर्व में एक दिन में 7,000 यात्रियों को दर्शन की अनुमति तो दी है, लेकिन पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते रेल मार्ग बंद होने के कारण उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत से यात्री मां के दरबार नहीं पहुंच पा रहे हैं। पिछले साल करीब 79,40,000 श्रद्धालुओं ने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। पिछले साल शारदीय नवरात्रों में ही 5,00,000 से अधिक श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे थे, जबकि इस बार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही महज 4,400 श्रद्धालु ही पहुंचे हैं। इनमें से 705 यात्री हवाई मार्ग के जरिए आए हैं। वैष्णो देवी यात्रा को लॉकडाउन से पहले 18 मार्च को ही बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन के बाद कोविड प्रोटोकॉल के साथ 16 अगस्त से मां वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू हुई है। इसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लानी है, जबकि जम्मू कश्मीर के नागरिकों का कटरा की दर्शन ड्योढ़ी पर ही रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। पिछले 25 सालों से माँ वैष्णो के भवन को हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्रि में विदेशी फूलों के साथ सजाया जाता है। यहाँ इटली, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और कई यूरोपियन देशों से रंग बिरंगी खुशबूदार फूलों से माँ का भवन सजाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ विदेशी फूलों से सजावट नहीं हुई है। इस बार माँ के भवन की सजावट देसी फूलों से की गई है। इस बार कोरोना के चलते चाहे माँ वैष्णो देवी की लाखों भक्त दर्शन न कर पाए हों, लेकिन उन्होंने घर बैठे ही माँ के ऑनलाइन दर्शन भी किए और प्रसाद भी लिया। ऑनलाइन सेवा के जरिए 15,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं ने श्राइन बोर्ड का ऐप डाउनलोड करके मां के दर्शन किए। वहीं अभी तक 8,000 से ज्यादा भक्त अपने घरों पर ही ऑनलाइन प्रसाद मंगवा चुके हैं। 800 रुपए के पैकेट में भक्तों को चांदी के सिक्के, मौली, मिश्री, नारियल और सूखे मेवे मिलते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार का कहना है कि हमें उम्मीद है कि नवरात्रि में ऑनलाइन दर्शन और प्रसाद सेवा एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। माँ के दरबार में भले ही इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन उनका उत्साह पहले जैसा ही नजर आ रहा है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।